are watching NTTV News, News Telangana Television. आपकी बात सुनने अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप आइए, इसमें से 10-12 सवाल की नजर आएंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे साथ देंगे तो मैं बैठता हूं। अगर आपके पास कोई है तो आप आइए जरूर आके। आइए एक के बाद एक आइए। बोल बंद कर दो। पर्दा देखिए, जो 8 नंबर गली के अंदर आपको 3 गलियों में पानी की पाइप नहीं हो रहा है। अलहमदुल्ला मजिद से चार जुमाई गली के ऊपर वहां पर पाइप आकर था कि हमारी कमजोरी क्या है, हम काम नहीं कर रहे मालूम हो रहा। आप बोल दिए इंशाअल्लाह ये नया काम है, इसको मंजूर करा दो, इलेक्शन के बाद करा दो। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तुम जाने वाले, मैं करा दो उसका। अच्छी बात, अब करा दिया। अच्छी अगर वो काम मंजूर है, 2 दिन के बाद यहां पर देखिए, 2 दिन के बाद आप सुनिए रात के बाद। इलेक्शन के बाद कराएंगे, मैं जरूर आएगा, मैं करा दूंगा। फिर सत्ता के आप बोले हमारे को मालूम, बिल्कुल आपकी तकलीफ है, करेंगे इलेक्शन के बाद बिल्कुल। मैं करा तो अभी भी आऊंगा अपना जवाब, मैं करा तो अभी 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 एक बार करेंगे। हमारा जो काम मंजूर नहीं हुआ, बस जैसा मंजूर होगा कराएंगे, जरूर जरूर कराएंगे, काम मंजूर करेंगे। और वो मैं जो बोल के जा रहा हूँ, फिर 3 महीने के बाद मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर ऐसी मीटिंग करने का है। जब तुम्हारे को तुम आके मेरे को फूल कहा चला के बोला बाबा तुम जो बोले काम हो गया, अब जाओ आप इस नाम से मैं करा दूंगा, जाओ आपका टाइम कौन से सर, आपका टाइम होगा सुबह में देख रहे हैं बस है नहीं आ रहा तो बस रहा अच्छी बात। आप आपका जो काम करो तभी मैं आ रही हूँ, बात कर दो अगर होगा तो नहीं कोई बस का नंबर क्या है आप बोलो रास्ते में घर बना लिया जल्दी आपको पुलिस को इतला कर रहे थे हम क्या रास्ते में ले लो आप बोलो मेरा क्या है फलक कुमार कॉलेज में लेक्चरर नहीं है का कौन सा लेक्चरर हूँ आपको वहाँ पे बीएससी के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग से बात करूँ
जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज अच्छी बात मैं कर बात करूं। अभी काम मंजूर नहीं हुआ, वो काम मंजूर नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद करना पड़ता बहुत बड़ा है, वो काम मंजूर नहीं हुआ कराएंगे इसका। रोशनी करेंगे तो काम पे टीगर गुंडे में है, कहा है टीगर गुंडे में रोशनी करेंगे सेंटर जिला मेडिकल के पास। आप वही नामा है इलेक्शन के बाद इंशाला कराएंगे। अभी अगर मैं कुछ ऐलान करूंगा तो पुलिस वाले केस बुक करेंगे, मगर आप मुतमिन रहो इंशाला होगा। आप इलेक्शन के बाद जिला में चालू काम में आके इंपार्टमेंट करा दो, एक बार मिलवा खुदरे पाठा याद रखवा। अभी काम मोहम्मद बात जगह पे काम मंजूर नहीं हुआ, मंजूर करा के शुरू करा उसका टाइम हुआ। अच्छा जिसका जिसका हो गया वो चले तामीर हो रही पुलिस की लाइन में जितने भी घर बनेंगे इंशाल्लाह पूरे उत्तर गरीब लोगों के लिए दिए जाएंगे। आप खुद सही रहिए इंशाल्लाह। आज इतवार है, कल तीन के नीचे आपका जो गली के अंदर पोल्यूशन का काम है इंशाल्लाह ताला वो काम कल मंजूर भी का है और इंशाल्लाह ताला कल से ही काम चालू हो जाएगा पोल्यूशन का। बनने के बाद उनका बार बार घर का सवाल मत करो। ये थाना मिलना फिल्टर प्लांट के बाजू जो पहाड़ है वहाँ के हमारे ये थाना आए हैं। आप ये बोल रहे हैं वो पहाड़ के ऊपर रोड होना, पानी की पाइपलाइन होना और सीवर लाइन होना। आज से 15 दिन 20 दिन पहले मैं खुद आपके बस्ती में आया था, आप लोगों से मुलाकात करा, आपसे मुलाकात करने बाद मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बातचीत करा और ऑलरेडी जो काम का प्रपोज जा चुके हैं सैंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी गति के अंदर पानी की पाइपलाइन भी पड़ेगी, सीवर की लाइन भी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला रोड भी पड़ेगी, जल्द से जल्द काम हो जाएगा। फारूक नगर के पास मजलिस की नुमाइंदगी पर हाउसिंग की घर के तामीर का काम शुरू हुआ। जितने भी उसमें घर बनी है इंशाल्लाह फारूक नगर फातिमा नगर के जो मुस्तहक गरीब अपराध है जिनके पास घर नहीं है जितने ही बनी है इंशाल्लाह माफी उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर वो काम शुरू हुआ अभी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8-9 महीने कम से कम 8-9 महीने मुकम्मल होने लगेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल और बात से आपको मिलेगा। दूसरी बात जो आप तमाम लोग यह बताए कि अतराफ अपने आप में और फिर आड़े पहाड़ के पास सालारे मिलत के वाटर प्लांट के पास पास रोड का काम नहीं हुआ, बाद मुकाम पर पानी की लाइन नहीं आई, बाद मुकाम पर कच्ची मोहरी का इंतजाम नहीं हुआ जैसा यहाँ पे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि काम नहीं हुआ। मैं उसका एतराज करता हूँ इंशाल्लाह वो काम को मंजूर कराना है और मंजूर करवाने के बाद वो काम शुरू होगा। और एक जो बात सामने आई कि बाद जगह पर रात के अवकाश में हमारे खवातीन इस बात का उनको डरने के बाद आवारा किस्म के लोग वहां खड़े होकर बदकलामी या कर उनकी हरकतें हैं, तो मैं आपके सामने पुलिस सूबेदारों से कहा हूं कि रात के वक्त और दिन के वक्त जो राउंड मारे और किसी भी किस्म से कहीं पर भी फारूक नगर फातिमा नगर में अगर कोई भी किसी भी खातून को या बच्ची को छेड़ेगा तो पुलिस उसके खिलाफ खुल के एक्शन लेगा। अगर पुलिस एक्शन लेगी तो आप मेरे को बोलो, मैं हुकूमत को जाके लड़ूंगा कि अच्छे पुलिस वालों को लेके आओ। तो इंशाल्लाह ये 4-5 जो अहम काम आप बताए काम होंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हमारे सरदार भाव बहनों का कि आप यहाँ पर आए और आपको याद भी दिला रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हम बहुत से करवाए और भी काम होना बाकी है, मगर जो एक अहम काम ये हुआ जो आप तमाम बोल सकते कि पिछले 4 साल में
लाइट कितने मरतबा गई, लाइट को नहीं जा रही आज तक, लाइट को नहीं जा रही ना हमारा, लाइट को नहीं जा रही, शाम में बैठ को देख सकते हैं। हाँ, ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं करवाया, अब जो दूसरे काम बाकी है इंशाल्लाह ताला वो काम हम कराएंगे। हम आपके नुमाइंदे हैं, अल्लाह ने हमको इज्जत दी आपकी खिदमत करने के लिए। मेरी तमाम इज्जतदार और भाई बहनों से गुजारिश है कि 7 दिसंबर के दिन आपको सुबह सुबह निकल के अपने घर से रवाना होकर अपने पोलिंग बूथ को जाकर जहां पर पतंग का निशान है वहां पर बटन दबाना है आपको। तो जुमे का दिन है, आप इज्जतदार मेरी माँ और बहने, आप सबसे पहले घर से निकलो, आप तैयारी कर लो तो आपके पीछे आपके घर के तमाम अफराद को आप साथ लेकर जाइए और अपने वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। ये जमात आपकी एक ताकत है, मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है, मजलिस आपके सोच और फिक्र को अमल करने वाली जमात है। आप इस आवाज को अपने स्तंभ के कंकर को आप मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला जिस बेबाकी के साथ पिछले 7 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब और मजलूम आवाम की एक बेबाक आवाज है, हम इंशाअल्लाह ताला उस बेबाकी के साथ तेलंगाना के असेंबली में अपनी आवाज उठाते रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उठाते रहेंगे। ये आप की ताउन आपके दुआओं की दरखास्त करने के लिए आज की इस मीटिंग का यह अमल में लाया गया है। मैं हमारी इज्जतदार गांव भाइयों का शुक्र गुजार हूँ। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि 7 दिसंबर के दिन जुम्मे का दिन होगा, सुबह सुबह निकलकर आपको वोट डालना है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जुमे की नमाज से पहले पूरे लोग निकलकर अपने अपने बूथ को जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं मस्जिद के इंतजामिया के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं कि हर जुमे की नमाज के खुतबे से पहले मेरी गुजारिश है कि आप आवाम से अपील करिए कि वोट डालिए। और जब 7 दिसंबर का दिन भी होगा तो अगर आप जुमे की नमाज जरूर पढ़ना है, नमाज पढ़ने दिन भी मस्जिद के लोगों को तरगीब दें कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह ताला यहां से बहादुरपुरा से इंशाअल्लाह ताला यहां से मजलिस का उम्मीदवार इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब होगा कि पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार का एक रिकॉर्ड यहां पर कायम करेंगे, इतनी भारी अक्सरियत से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। और जो काम आपके रुके हुए हैं मैं इंशाअल्लाह ताला वो काम करवाएंगे, क्योंकि असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हो जाएगा, उसके बाद फिर अप्रैल या मई के महीने में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि जितना आज आप अपनी अपनी तकालीफ का इजहार किए, हम पूरी कोशिश करेंगे अखलास के साथ कि वो तमाम तकालीफ और काम को जितना हो सके हम दूर करेंगे, ताकि दोबारा पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले फिर एक ऐसी खवातीन की मीटिंग रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि हमने कहां तक उन तमाम कामों को पूरा किया। तो मैं तमाम हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप मजलिस पार्टी को मजबूत करिए और एक दवाखाना कहां खुला है? एक तो बड़े के गांव के पास दवाखाना खुल गया मजलिस की नुमाइंदगी पर और वहां पर डॉक्टर भी है, दवाएं भी है, दोनों फ्री है। मौसम साहब ये बोल रहे कि आगे का बड़ी मस्जिद के सामने नया कम्युनिटी हॉल के पास भी करीब में बहुत जल्द उस कम्युनिटी हॉल के अंदर एक दवाखाने का काम शुरू होगा। मैं आपसे भी बताना चाह रहा हूं कि मजलिस की नुमाइंदगी पर यहां पर रेजिडेंशियल स्कूल भी शुरू हुआ, जानते हो अब तो वहां तो रेजिडेंशियल स्कूल में भी आप अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिलाइए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। मजलिस पार्टी की तरफ से हर साल
जितने हैदराबाद में गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस है वहां पर हम लोग सालाना मजलिस की तरफ से 60 लाख रुपए हर साल हम खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उनको मजलिस की तरफ से इस साल हम लोग करीब 12,500 बच्चों बच्चियों को स्कूल का बैग दिए, उसमें लॉन्ग बुक है, कंपास बॉक्स है, एसएससी की इम्तिहान की फीस देते। अब इंशाल्लाह ताला दिसंबर जनवरी में आलिमन की गाइड देंगे। ये काम मरहूम कायद सालार इंदत ने शुरू किया था 2005 में, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये काम किया जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए। मैं अदल से आप तस्वीर कर रहा हूँ कि 7 दिसंबर को याद रखो आप जुम्मे का दिन है, सुबह सुबह निकल कर रोड का इस्तेमाल करिए और हमारी महिलाओं बहनों से थोड़ा बदतमीजी करके आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन सुबह में अम्मा जरा कुछ भी चाय वाय नको बनाओ लेकिन निकलो बच्चों को चौहर दो, बोलो पहले चलो वोट डालने का है, एक दिन भूखे रहे चाय नहीं पिए तो सर में दर्द नहीं होता, जरा सुबह सुबह लेके निकलो काला अम्मा वोट डालो। और अगर आपके घर वाले वोट नहीं डाले छुट्टी का दिन है देर से उठे तो वो तो जुम्मे की नमाज को जा रहे हैं तो वो नमाज को भी पढ़ लो, ये भी ना एक नफिल इबादत का जाके वोट डालो, अपनी पार्टी को अपनी आवाज को मजबूत करिए। मैं नौजवानों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपको मुतहरिक रहना, नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना वोट पहले डालिए फिर अपने घर वालों को अपने साथ लेकर जाइए। पूरे फारूक नगर फातिमा नगर में हर किसी का जिसका नाम है आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये जलसा नहीं है, ये सिर्फ खवातीन की एक मीटिंग है और खवातीन से हमारी मीटिंग हुई है। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला फारूक नगर फातिमा नगर में इंतकामी जलसे होंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें और तफसीली खिताब भी होगा। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज की इस मीटिंग का इनका किया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा माहौल जो हैदराबाद में है पुरसकून है। आप जानते हैं कि 4.5 साल में कहीं पर भी हैदराबाद में तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि ये अलहमदुल्ला इस मंदिर का भी रोल, यही हम माहौल रखना चाहते हैं कि अमन रहे, यहाँ पर हर तबके के लोग अमन से रहे ताकि अगर अमन रहेगा अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकेगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम निकल कर अपने काम करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और इंशाल्लाह ताला जो आपकी तकालीफ हमारी माओ बहनों ने बताया है इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करके उन तकालीफ को दूर करेंगे। मैं हमारी माओ बहनों से याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि 7 दिसंबर जुमे का दिन है, पतंग का निशान है, आप तमाम लोग निकलकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए, आपकी आवाज है। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज़।